देखो एक्सरसाइज 15.3, एक्सरसाइज 15.3 में भी क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है विचलन गुणांक, निकालना है विचलन गुणांक, विचलन गुणांक, ठीक। विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एक्स बार इनटू सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100, ठीक। देखो विचलन गुणांक कब निकाला जाता है, ठीक, जब हमें दो आंकड़ों को क्या करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है, जब दो आंकड़ों की हम तुलना करते हैं और उसमें हमें पता लगाना होता है कि इन दोनों आंकड़ों में से किस आंकड़े में सबसे ज्यादा बिखराव है, तो किसमें सबसे ज्यादा बिखराव है या किसमें सबसे कम बिखराव है, या हम कह सकते हैं कि दो आंकड़े अगर हमारे पास दे रखे हैं तो उन दोनों आंकड़ों में सबसे ज्यादा संगठित कौन है, सबसे ज्यादा संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड कौन सा आंकड़ा है, उसको कंपेयर करने के लिए हम निकालते हैं उसका विचलन गुणांक सिग्मा। उसका मीनिंग सेम है, सिग्मा का मतलब क्या है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार का मतलब क्या है, माध्य इनटू 100 करेंगे। तो सिंपली जो हमारे पास डाटा दे रखा होगा उस डाटा में सबसे पहले हमें सिग्मा निकालना पड़ेगा मतलब मानक विचलन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो अंक दे रखे हैं निम्नलिखित आंकड़ों में बताइए कि ए या बी में से किस में अधिक विकराव है। देखो जिसका मानक विचलन विचलन गुणांक इसका सबसे ज्यादा होगा, इधर देख, जिसका विचलन गुणांक सबसे ज्यादा होगा उसमें विकराव ज्यादा होगा, जिसका विचलन गुणांक कम होगा उसमें विकराव कम होगा, चलो मतलब वो ज्यादा सबसे ज्यादा संगठित होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होगा वो। देखो यहां पे अंक दे रखा है 0 से, सबसे पहले हमें मानक विचलन निकालना है। देखो ये पहला कॉलम दे रखा है किसका, अंक का, ये दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। देखो इसमें समूह ए दे रखा है, समूह ए, देखो समूह ए के लिए दे रखा है 9, कितना 17, 32, 33, 40, 10 और 9, ठीक है। सबसे पहले ए के लिए कर लेते हैं, फिर किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे, ठीक, क्योंकि ए की बॉक्स पे दोनों करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, ये निकाल देते हैं, चलो निकाल देते हैं, और है ना बी, बी समूह है हमारे पास, क्या दे रखा है, बी है 10, 20, 30, 25, 43, 15 और 60, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये भी फ्रीक्वेंसी, ए का फ्रीक्वेंसी है ये, बी का फ्रीक्वेंसी है, इसको ना हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, एफ ए, इसको हम नाम दे देते हैं एफ बी, ठीक है ना, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी है बी की फ्रीक्वेंसी है। देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई, क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई, एक्स आई, तो एक्स आई निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है, दोनों को जोड़ के दो से भाग कर दो, कितना आएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65 और कितना जाएगा 75 होगा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, यहां पे एक काल्पनिक माध्य मान लेते हैं, माना काल्पनिक माध्य ए बराबर कितना ले ले 45 दे देते हैं, चलो तो वर्ग अंतराल कितना है, एच इक्वल टू लघु विधि का यूज कर रहे हैं, किसके यूज कर रहे हैं, लघु विधि का, ठीक है, तो एच इक्वल टू कितना, वर्ग अंतराल कितना है 10, वर्ग अंतराल कितना है 10 है, तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए अपॉन 10, ठीक है, क्लियर है। तो 45 में से 15 घटा दो कितना बचेगा 30, कितना 30, 30 को 10 से भाग करोगे तो माइनस का 3,
माइनस का दो, माइनस का एक, जीरो, एक, दो और तीन, बराबर। अच्छा एक कॉलम हमारा क्या बनेगा, एक कॉलम बनेगा हमारा वाई आई का स्क्वायर, देखो तीन का स्क्वायर कितना जाएगा, नौ, चार, एक, जीरो, एक, चार और नौ। अच्छा एक कॉलम बनेगा हमारा एफ आई, एफ आई वाई आई, मतलब एफ ए वाई आई का कॉलम बनाते हैं, दो फ्रीक्वेंसी है ना, एक एफ ए के लिए बनेगा और एक एफ बी के लिए बनेगा, तो एफ ए वाई आई इक्वल टू कितना जाएगा है, देखो सर जी इन्होंने एक क्वेश्चन को दो में बना रखा है, हाँ दो में बना रखा है, तो इसलिए दो अलग, पहले एक के लिए, ये तो दोनों के लिए कॉमन होगा, ये जो पार्ट है हमारा ये दोनों के लिए क्या है कॉमन होगा, बाकी दो कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, एक एफ ए के लिए बनाना पड़ेगा और एक एफ बी के लिए बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो नौतिया सत्ताईस, ठीक है ना, सत्रह दुना चौतीस, माइनस का बत्तीस, जीरो, ये जगह तुम्हारा चालीस, ठीक है ना, दस दुना बीस और नौतिया सत्ताईस, हो जाएगा, इनके हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉलम हम बनाएंगे यहां पे एफ ए आई वाई आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा है, देखो वाई आई और इसकी मल्टीप्लाई कर देना एफ ए की, देखो नौ ने इक्यासी, ठीक है ना, सत्रह चौक, सत्रह चौक कितना अड़सठ, बत्तीस एक कम बत्तीस, तैतीस जीरो की जीरो, चालीस एक कम चालीस, दस चौक चालीस, ठीक है ना, और नौ ने इक्यासी, ये तो एक के लिए कंप्लीट हो गया, एक कॉलम बनेगा एफ बी आई वाई आई की और एक लास्ट कॉलम बनेगा हमारा एफ बी आई वाई आई का स्क्वायर, क्या लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सी, देखो एफ बी आई इसकी और किसके इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस का तीस, इनकी मल्टीप्लाई करो माइनस का चालीस, चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो माइनस का तीस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी थ्री और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तीस और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इक्कीस, सत्या इक्कीस, अच्छा इसके और पाई आई की मल्टीप्लाई करो नब्बे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अस्सी, तीस एक कम तीस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो जीरो, फोर्टी फाइव सॉरी जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना जीरो, ठीक, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इकतालीस एक कम इकतालीस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी फोर्टी थ्री, पंद्रह चौक कितना जाएगा साठ, चलो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे नौ सत्ते तिरसठ, मिल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन है प्योर कैलकुलेशन है पर। तो देखो सबसे पहले हमें इन दोनों को इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ लेना है, जोड़ लो, देखो कितना आएगा एन ए इक्वल टू कितना जाएगा, देखो ये दस हो गया दस और पचास, देखो नौ और सात सोलह, सोलह दो अठारह, इक्कीस, इक्कीस और नौ तीस, ऐसे लेगा तीन चार आठ, आठ और छह चौदह और एक पंद्रह, ठीक, देखो दस बीस तीस साठ, साठ ये हो गए, साठ और चालीस कितना जाएगा साठ और चालीस सौ, सौ और दस एक सौ दस, एक सौ दस और दस एक सौ बीस और तीस पचास, एक सौ पचास, तो एन बी इक्वल टू कितना जाएगा एक सौ पचास, जोड़ लेना एक बार देख लेना ये जाएगा, अच्छा एक बार इनको जोड़ दो, इसको जोड़ो इस, इन चारों को जोड़ दो, देखो इसमें बत्तीस सत्ताईस, देखो सत्ताईस से सत्ताईस कैंसिल हो जाएगा, कोई जरूरत इसमें चौतीस जाएगा, देखो ये इनको जोड़ोगे तो कितना सिक्सटी एट हो जाएगा माइनस का, इन दोनों को जोड़ोगे सिक्सटी एट नहीं सिक्सटी एट नहीं सिक्सटी सिक्स होगा, ठीक ना, इनको जोड़ोगे तो ये जो सिक्सटी आ जाएगा, माइनस का छह आ जाएगा, ये कितना आएगा माइनस का छह, देखो इनको जोड़ लेते पहले, तीस से तीस कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, देखो चालीस और तैतालीस इनको घटाओगे तो कितना बचेगा तीन बचेगा, तीन और इक्कीस कितना जाएगा चौबीस,
24 माइनस का 30, ये भी हो जाएगा माइनस का 6, 6 हो जाएगा, कितना माइनस का 6। अच्छा देखो 9, 11, 11 और 1, 12 का 2 से लगा 1, 9, 13, 17, 20, 26 और 8, 34, ठीक है। देखो 12, 16, 16 और 6 कितना 22, 22 और 8 30, 12 और 4 16, 16 और 6 कितना 22, 22 और 8 30, 30 और 3 33 और 1 34, सही है, दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें आ जाओ, देखो 3 और 3 6, 6 6 12, 16, 16 और 6 19, 19 और 8 37, 37 और सॉरी 19 और 8 27, 27 और 9 कितना 36। देखो दोबारा जोड़ते हैं, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 30, 30, 30। अब हम निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले माध्य निकालते हैं, है ना, ए का माध्य, किसका ए का माध्य, तो ए का माध्य इक्वल टू जाएगा एक्स ए बार, एक्स ए बार इक्वल टू क्या जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ, या एन भी लिख दे दो एन ए इंटू एच, इंटू एच तो एक तो होगा 45 प्लस इसका वैल्यू कितना है माइनस का 6 बटे 150 इंटू एच कितना 10, 0 से 0 कैंसल, 15 छिंग 90, 15 चौक 60, तो कितना है 45 माइनस 0.4, 15 चौक 60 होता है, इसमें से माइनस करते हैं कितना आएगा 44.6 आएगा, 44.6 आ जाएगा। अच्छा किसका बी का माध्य, देखो एक्स बार डी इक्वल टू जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ बी आई वाई आई अपॉन एन बी इंटू 10, एच का मतलब 10, तो 45 प्लस का माइनस का 6 बटे 150 इंटू 10, देखो सेम सेम था तो इसमें माध्य कितना है 44.6, तो देखो दोनों का माध्य सेम है, दोनों का माध्य सेम है, तो हम इनसे कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये लगेगा कि दोनों डाटा क्या है सेम सेम डाटा है, क्योंकि माध्य दोनों का सेम सेम है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए का प्रसरण निकाल दो, ए का प्रसरण, क्या ए का प्रसरण क्या जाएगा सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन ए का स्क्वायर, एन ए का स्क्वायर सॉरी एन ए समेशन ऑफ एफ ए आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ ए आई वाई आई का होल स्क्वायर, इसको ए से रिप्रेजेंट करना, सिग्मा ए का स्क्वायर इक्वल टू देखो एच स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन बी कितना 1500 का स्क्वायर सॉरी 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, दो 150 इंटू इसका वैल्यू कितना रहा 342 माइनस इसका वैल्यू कितना रहा ये माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऊपर 100 नीचे 100, 100 से 100 क्या जाएगा कैंसल, कहने का मतलब है डबल जीरो ऊपर आएगा डबल जीरो नीचे आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 100, 225 कितना आएगा 225, ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई कर देना से 15 30 का जीरो से लेगा 3, 15 चौक 60 और 3 63 का 3 से लेगा 6, 15 45, 45 और 6 कितना जाएगा 51, सर जी ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, अरे तो नीचे एक जीरो तो कैंसिल होगा, क्यों एक जीरो कैंसिल, एक जीरो आएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, एक जीरो तो आएगा, क्यों एक जीरो आएगा, ऊपर 10 गुणा 10 है, नीचे 150 गुणा 150 है,
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल होगा ना, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। तो 15 दो ना 30 का जीरो हासिल लगा 3, 15 चौक 60 और 3 63 हासिल लगा 6, 15 दिया 45, 45 और 6 कितना जाएगा 51, और ये जाएगा 0 माइनस का 36, तो माइनस का अंतर कितना आएगा 300 में 36 माइनस करो तो 264, 264, तो 51 264 बटे 225 डिवाइड कर दो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे लिखो, कैलकुलेटर निकालो, नोट करो इतना। देखो तो इसमें सिग्मा ही निकाल देंगे, देखो सिग्मा ए का स्क्वायर इक्वल टू इतना, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट में जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सॉल्व करने को 15.094 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट हम निकालेंगे बी का प्रसरण निकालेंगे, तो बी का प्रसरण सिग्मा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा एच स्क्वायर अपन एन बी का स्क्वायर एन बी, ठीक है, सेम फॉर्मूला हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा कितना है 366, तो 150 इंटू 366, और इसका वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो 54900 हो जाएगा, माइनस का 36, इसको माइनस कर दो कितना आएगा 54864 बटे 225, स्क्वायर को ले जाना स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 234.23 बटे 15, 15 से इसको भाग कर देना तो कितना आएगा 15. कितना 61, ठीक है। अच्छा अब हमें ये बताना है कि ए और बी में किसमें सबसे ज्यादा बिखराव है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा दोनों का विचलन गुणांक, क्या निकालना पड़ेगा विचलन गुणांक। तो देखो विचलन गुणांक कैसे निकालना है, सबसे पहले ए का विचलन गुणांक फिर बी का विचलन गुणांक, देखो ए का विचलन गुणांक, ए का विचलन गुणांक, विचलन गुणांक देखो क्या आएगा सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ऑफ ए इंटू सो, देखो सिग्मा ए 15.094 बार एक्स बार कितना था 44 पॉइंट कितना था 6 40.6 इंटू 100, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना तो 15.094 बाय 44 पॉइंट कितना 6। देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है भाई, यही तो है नॉन फिजिकल मेंस, दे हैव नो मैनर्स, दे हैव मैनर्स बट वी हैव काइंड टू मैनर्स, क्या कैलकुलेटर का इसमें सिर्फ राइट लेफ्ट क्लिक कर है चलिए पूरा काम दो अब से नीचे वाला दबाओ ये वाला, हां देखो इसमें ये आएगा 15.09 ठीक ना पॉइंट 4 डिवाइडेड बाय 44.6 ठीक ना, इक्वल टू आएगा 33.84 आ जाएगा, 84 के बाद एक स्थान और ले लेना 3। दो बी का विचलन गुणांक कितना जाएगा, बी का विचलन गुणांक दो बी का विचलन बाद नहीं, बी का विचलन गुणांक हो जाएगा सिग्मा ऑफ बी अपॉन एक्स बी का बार इनटू इनटू कितना 100, देखो सिग्मा ऑफ बी कितना आया था, सिग्मा ऑफ बी कितना आया था सिग्मा 15.61 बटे 44.6 × 100 तो कितना आएगा 1561 बटे 44.6, देखो इसको डिवाइड करते हैं ये आएगा तुम्हारा 1561 डिवाइडेड बाय 44 ना 0.6 तो कितना आएगा 35 आएगा नहीं भाई 35, देखो ये पूरे पूरे 35 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में विचलन गुणांक किसका सबसे ज्यादा है, विचलन गुणांक किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है बी का ज्यादा है, विचलन गुणांक इसका 33.84 आ रहा है इसका 35 आ रहा है, तो विचलन गुणांक बी का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, जब बी का सबसे ज्यादा विचलन गुणांक है तो विखराव किसमें ज्यादा होगा, बी में विखराव होगा, तो नीचे लिख देंगे अतः
बी में बिखराव ज्यादा है, ठीक ना, बी बिखराव में ज्यादा, बी में बिखराव ज्यादा है, ठीक। चलो नोट करो, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक ना, इसमें एक्स और वाई के मूल्यों में सबसे ज्यादा स्थिरता किसमें है वो निकालना है। तो इसमें सबसे पहले एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक ना, तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक्स को ऐड कर लिया 510 आ रहा है, वाई को ऐड कर लिया कितना है 1050 आया, तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स का माध्य, तो एक्स का माध्य एक्स बराबर कुल डाटा का योग 510 बटे नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा इसमें टोटल काउंट करोगे तो कितना आएंगे 10, तो इसमें घटाओगे तो कितना आएगा 51 डिवाइड कर देंगे, तो एक्स का माध्य हो जाएगा 51, ऐसे वाई का माध्य निकालेंगे, वाई को जोड़ दिया हमने 1050, तो 1050 को 10 से भाग कर देंगे कितना आएगा 105। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई में से जितने भी एक्स आई में से एक्स बार को 51 में घटा देंगे तो ये पूरा डाटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे डाटा निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, सॉरी वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई में से वाई बार को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, देखिए 108 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 3, 107 में से 5 घटा देंगे तो 2, 105 में से 5 घटा देंगे 0, इस तरीके से सारे डाटा में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। अच्छा इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहां पे हमें इसको ऐड करना है, ठीक, इसको इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, देखो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 और 9 15 16 16 और 5 19 19 और 5 सॉरी 16 और 4 20 20 और 25 25 और 10 35 35 और 5 40 का जीरो से लेगा 4 4 और 4 8 8 और 2 10 10 और 5 15 5 से लेगा 1 2 और 1 3 कितना आएगा 350। सेम इसको ऐड कर लेते हैं यहां पे, देखिए 16 और 4 20 20 21 22 27 27 और 4 31 31 और 9 31 और 9 कितना 40 31 और 9 40 ऐसे लेगा 4 4 और 1 5 कितना जाएगा ये 50 जाएगा। देखो x का प्रसरण निकालेंगे तो x का प्रसरण हो जाएगा सिग्मा ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू क्या था 1 बाय n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये तो था फॉर्मूला देख लो, पीछे हमने लिखा था एग्रीगेटेड डाटा के लिए, सही है सर, सही है ना, हाँ 1 बाय n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला, तो 1 बाय 10 वन बाय टेन इन टू देखो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो कितना आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर 350 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 35 सिग्मा ए का स्क्वायर, तो सिग्मा ए मानित विचलन क्या जाएगा रूट ऑफ 35 तो वो रूट ऑफ 35 कितना जाएगा ये 35 36 किसका होता है 6 का होता है ना तो ये 5.9 समथिंग कुछ आएगा 5.9 कुछ समथिंग आएगा सर 6 का 36 होता है 5 का आएगा अरे तो ये 35 है ना 36 से कम है ना 36 से कम है देखो कितना आएगा इसका तो 6 माइनस कितना बचा 1 1 बटे 6 × 12 ठीक है या ऐसे लिखो उसको 5 से लिखो देखो 5 × 25 ठीक 10 कितना बचेगा 10 प्लस का 10 बटे है ना 5 × 10 = 11 इसको भाग कर देना कितना आएगा 5.9 बनाएगा 11 × 99 बचेगा कितना 1 10 फिर 0 99 आ जाएगा ठीक ये जाएगा सिग्मा ए ऐसे हम निकालेंगे किसका बाई का प्रसरण बाई का प्रसरण क्या जाएगा सिग्मा बाई का स्क्वायर इक्वल टू ए नहीं एक्स होगा यहाँ पे ठीक ना सिग्मा बाई का स्क्वायर क्या जाएगा ये जाएगा 1 बाय n समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर देखो 1 बाय 10 इंटू इसका वैल्यू कितना है 50 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 5
और सिग्मा वाई इक्वल टू जाएगा रूट ऑफ 5। 5 का रूट कितना है? 5 का रूट हाँ 25 होता है। नहीं 5 का स्क्वायर रूट 2.2। अरे दो दुना चार एक, एक बटे दो दुना चार एक पांच, तो पॉइंट टू चार दो पांच में से कटाएंगे एक बटे तीन, क्योंकि दो दुना चार, दो दुना चार एक पांच, चार का स्क्वायर रूट कितना? दो बटे एक बटे पांच, एक बटे टू पॉइंट टू आएगा, टू पॉइंट टू ठीक है। अच्छा देखो क्या निकालेंगे, एक्स का विचलन गुणांक, विचलन गुणांक देखो एक्स का विचलन गुणांक क्या जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू सौ। देखो सिग्मा एक्स कितना है हमारा 5.91 बटे एक्स बार कितना 51 इंटू सौ, इंटू सौ तो कितना आएगा 591 बटे 51। इसको डिवाइड कर दो, देखो ये आएगा तुम्हारा 591 डिवाइडेड बाय 51 तो आएगा तुम्हारा 11.58 बाई का विचलन गुणा। देखो सिग्मा वाई अपॉन वाई बार इन टू सौ, देखो सिग्मा वाई कितना है 2.22 ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय वाई, वाई बार कितना है 105 इन टू सौ, देखो 220 बटे 105, 220 को 105 से डिवाइड कर दो, 220 डिवाइडेड बाय 105 कितना आएगा 2.09। देखो सबसे कम विचलन गुणांक किसका है, बाई का है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा किसमें होगी वाई में, तब लिखेंगे अतः वाई में ज्यादा है या अधिक है ना, ये जाएगा इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है विचलन गुणांक से रिलेटेड।